हेलो दोस्तों, एसी इलेक्ट्रॉनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ, देखिए ये 6 एम्पीयर का एक तरह से कंबाइंड है। इसके अंदर ये देखिए, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और एक स्विच है। और ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत अच्छा बोर्ड है, ये एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको इसकी वायरिंग मिस्त्री से, इलेक्ट्रीशियन से करानी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको वायरिंग करने का बहुत ही आसान और बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप अगर ये बोर्ड बाज़ार से लाइए और फिटिंग करिए, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लेना। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो ये 4 पेज हैं, ये 4 पेज खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चारों पेज खोल लेंगे इसके। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने बोर्ड खोल लिया। ये देखिए, इसमें एक 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट है और एक स्विच है। ठीक है दोस्तों, अब करना है स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे सबसे पहले हमें फेस दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैंने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे दिया है। अब दोस्तों, मैं इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर फेस काटूंगा। ये देखिए, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमने फेस दे दिया है। दोस्तों इस बोर्ड की वायरिंग करने का बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ये आप बहुत ही आसान तरीके बता रहा हूँ उसकी। आप बाज़ार से बोर्ड लेके आइए और ख़ुद ही इसकी वायरिंग करिए। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। दोस्तों, फेस काट लिया। ठीक है, देखिए स्विच के ऊपर फेस काट के हमने फेस दे दिया 2 पिन सॉकेट में। ये देखिए, 2 पिन सॉकेट में फेस दे दिया। अब इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस उठा के मैं दूंगा इस 5 पिन सॉकेट में। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है, हमें एक नई एनर्जी दे देता है एक लाइक। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करा करें हमारी वीडियो को और शेयर भी ज़रा करा करें, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो से मदद मिल सके, सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज़ ठीक है, देखिए दोनों सॉकेटों मैंने फेस दे दिया है। अब दोस्तों देखिए, न्यूट्रल के लिए मैंने ले लिया ब्लैक कलर का तार। हमेशा दोस्तों अच्छे तार का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों,
चीज़ दे तो ये देखिए न्यूट्रल मैंने दिया था, न्यूट्रल यहीं से मैंने उठा के दूसरे जो टू पिन सॉकेट है उसको भी न्यूट्रल यहीं से उठा के दे दिया। न्यूट्रल कॉमन होता है इसलिए हम कहीं पर भी न्यूट्रल दे सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये देखिए फेस फेस में लगाएंगे, फेस दिया, ये देखिए दोस्तों वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं ये चेक कर बता दूं आपको दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने वायरिंग करना बताया आपको। इस तरह के बोर्ड लाइए, एक अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड घर पर ही बनाइए, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों मैं इसे चेक करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों ये देखिए हमारा 5-पिन सॉकेट काम कर रहा है। ठीक, अब हम 2-पिन सॉकेट देख लें। ये देखिए हमारा 2-पिन सॉकेट भी काम कर रहा है। ठीक, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको समझ में आ गई तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।